हे दोस्तों, वेलाज के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा। बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं हम लोगों के द्वारा हिंदी में, बट इसका इंग्लिश कोई कोई स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। तो आइए आज सीख लेते हैं। पानी बचाया जाना चाहिए, पेड़ लगाया जाना चाहिए या लगाए जाने चाहिए, खाना बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कुछ किया जाना चाहिए या सरकार के खिलाफ कुछ किया जाना चाहिए बिकॉज वो युवाओं को जॉब नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये नहीं होना चाहिए, चोरों को कैसे पकड़ा जाना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा। हिंदी में तो काफ़ी यूज करते होंगे, आइए आज इसका इंग्लिश जान लेते हैं। वेल, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए ये सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, शुड का पैसिव वॉइस। शुड का पैसिव वॉइस क्या होता है, नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जैसे कि हमें पेड़ लगाने चाहिए या हमें पेड़ लगाना चाहिए, वी शुड प्लांट द ट्री, वी शुड प्लांट द ट्री। तुम्हें पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए या तुम्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुडंट वेस्ट द वाटर, यू शुडंट वेस्ट द वाटर। इस तरीके से ये वह एक्टिव वॉइस शुड का यूज, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। वेल दोस्तों, मैंने वाटर से पहले यूज किया द मैंने यहाँ पर क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर पानी की इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं, पानी की बहुत महत्व है, तो यहाँ पर मैंने द लगाया। वेल, आप इसके पैसिव फॉर्म को जानते हैं। पैसिव फॉर्म में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे शुड बी, और शुड बी को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड को राइट कर देंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो शुड के बाद नॉट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुडंट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो शुड को आगे कर देंगे, शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो स्टूडेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली राइट करेंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे, तीन नंबर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बचेगा तो अदर वर्ड को राइट कर देंगे। अब डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव का देखते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, सेकेंड में लगाएंगे स्टूडेंट क्योंकि यह नेगेटिव का है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। छः का छः स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आइए सेंटेंस को बना लेते हैं। पानी बचाया जाना चाहिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको बनाएंगे वाटर शुड बी सेव्ड, वाटर शुड बी सेव्ड, पानी बचाया जाना चाहिए। यहाँ जाना के लिए गो नहीं लगाएंगे, जाना चाहिए, होना चाहिए, ये सारा क्या है, पहचान है शुड के पैसिव फॉर्म का। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, पेड़ लगाए जाने चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे अगर बहुत सारे पेड़ के बारे में बता रहे हैं, प्लूरल बता रहे हैं, तो बोलेंगे ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ट्रीज शुड बी प्लांटेड। अगर पेड़ नहीं लगाए जाने चाहिए, ट्रीज शुडंट बी प्लांटेड, ट्रीज शुडंट बी प्लांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, खाना बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, यह नेगेटिव का सेंटेंस है, इसके लिए यूज करेंगे नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर, इसके लिए बोलेंगे फूड शुडंट बी वेस्टेड, फूड शुडंट बी वेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके खिलाफ कुछ किया जाना चाहिए, इस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा। समथिंग शुड बी डन अगेंस्ट हिम, समथिंग शुड बी डन अगेंस्ट हिम, अगर लड़की रहेगी तो समथिंग शुड बी डन अगेंस्ट हर, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको लगेगा ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव का, बट ऐसा नहीं है, ये है डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे व्हाट शुडंट बी हैपेंड, व्हाट शुडंट बी हैपेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, चोरों को कैसे पकड़ा जाना चाहिए, ये भी डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस है, इसके लिए बोलेंगे हाउ शुड द थीप्स बी कॉट, हाउ शुड द थीप्स बी कॉट। कैच मीन होता है पकड़ना, कैच का वर्ब थ्री होता है कैच, कॉट कॉट। हे दोस्तों, आपको यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।